सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज आप SFM का एग्ज़ाम देके आए हो और एग्ज़ाम आपका अच्छा गया है। एंड नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है जो ऑडिट का है, ठीक है। अब जो भी एग्ज़ाम गया है आपका, उसको छोड़ो एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचो। आपको अब की बार दो छुट्टियाँ मिली हैं ऑडिट का, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि ऑडिट का पेपर टफ हो सकता है। तो आपके पास 2.5 डेज टाइम है, तो 2.5 डेज का अगर आपके पास टाइम है तो आपको यूटिलाइज़ इसको ऐसे करना है कि आपका एटलीस्ट 2 टाइम्स सिलेबस रिवाइज हो जाए। 1.5 डेज में अगर एक बार होता है तो यहाँ पे आप और 2.5 डेज में 2 बार सिलेबस का रिवाइज हो जाए। मेन मेन एरियाज जो हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये आपके लिए 2.5 डेज स्टडी स्ट्रेटजी बनाई है, जो आपको आज से फॉलो करनी होगी। एंड उसके बाद आपका फिर बाकी 2 दिन में आप इसको रिवाइज कर लेंगे, ख़त्म करेंगे, और फिर 2 दिन में आपका एटलीस्ट 2.5 डेज में 2 बार सिलेबस रिवाइज हो जाए, ऐसा करके मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमको कैसे फॉलो करना है इसको। बट आप जब भी देखो क्या होता है ना, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, 5-10%, 1 घंटा 2 घंटा, तो दैट इज़ फाइन। उसके लिए ज़्यादा वरीड मत होइए और बस करते जाइए जैसे भी कर पाओ, ठीक है। तो देखिए, अब आपको सबसे पहले आगे क्या कर लेना है, आज आके आप एक चैप्टर कर लो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे ना एक क्वेश्चन आता ही है हर बार 5 मार्क का, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, उससे भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। 7:30 बजे आप रेस्ट वेस्ट करके आराम से पढ़ना शुरू करो, ठीक है, उसके बाद 1 घंटे में हो जाएगा वरना उससे कम टाइम लगेगा। उसके बाद आपको कर लेना है कंपनी ऑडिट के सेक्शन, आपका जो 139 से लेके 148 तक के सेक्शन है, या और भी जो कंपनी अकाउंट्स के सेक्शन है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, 129 123, ये सब कर सकते हो, डिविडेंड वगैरह, और ऑडिट ऑफ CFS और कारो, ये आपको आज ख़त्म कर लेना है 12 बजे तक, सोने से पहले 12-1 बजे तक, जितने भी तक हो, तो आपका ये एरिया कवर हो जाएगा। और ये कवर आज का अराउंड आपका 20 मार्क्स तक का तो आने का है एग्जाम में, 5 मार्क का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट और 10-15 मार्क्स तक का इन तीनों से आ सकता है, ठीक है। आपका एक बार ये हो जाएगा आज, तो आपका एटलीस्ट काफ़ी एरिया कवर हो गया। अब आपको स्टार्ट करना है कल सुबह से, कल सुबह जब आप उठोगे नेक्स्ट डे, यानी कि 5 मई से, 5 मई को सबसे पहले उठते ही आप प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, बिकॉज प्रोफेशनल एथिक्स इज वन ऑफ द मेन एरियाज। यहाँ पे 15 मार्क तक का पेपर में पूछ लेते हैं, 2-3 मार्क के MCQ आ सकते हैं, बाकी 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क का 1 क्वेश्चन और 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन, तो 12 से लेकर 15 मार्क तक का पूछा जा सकता है और पक्का पूछा जाता है। और ये इसमें इजी स्कोर करना है, सबसे इजी होता है, आपको क्लोज लर्न है, क्लोज नंबर, क्लोज का कंटेंट लर्न है, उसके बाद आपकी कंक्लूजन अगर गलत भी होती है तो आपको उसमें मार्क मिल जाते हैं जो क्लोज और बहुत सब सही लिखा है आपने, ठीक है। इसमें 4 में से 3 मार्क करना बहुत इजी है अगर आपको लर्न होगा तो। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो क्लोज पे पूछते हैं, एक अलग पूछ लेते हैं गाइडलाइन वगैरह से, इसके अमेंडमेंट वगैरह भी देख लेना, LOCLR वगैरह में जो अमेंडमेंट है। तो एक कल सुबह उठ के 6 बजे, मतलब आप जल्दी उठने वाले हो तो 6 बजे उठ के स्टार्ट कर सकते हो, लेट पढ़ने वाले हो तो रात में ख़त्म करके सो सकते हो, ठीक है। तो ये करो आप, करने के बाद 6 बजे से लेके 3 घंटे में टारगेट रखो कि क्लोज शेड्यूल पढ़ के हो जाए, मेन मेन क्वेश्चन रेफर हो जाए और अमेंडमेंट वगैरह हो जाए, ठीक है। और ये करने के बाद आपको, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है फिर आगे ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर करो, 1 घंटा मैक्सिमम टाइम दो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ से आता है पेपर में। कमेटी वगैरह का पढ़ लेना अच्छे से, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या जो भी अमेंडमेंट वगैरह का, 1 घंटे में ये करो। उसके बाद आपके 3 चैप्टर हैं अगले 2 घंटे में करने के लिए आपके पास, PSU, PA रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और SQC1, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम टाइम दिया है बट मैनेज करना जितनी जल्दी कर पाओ, बिकॉज इनमें से आइधर तो पीए रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में से आएगा, ऑडिट PSU से आ सकता है क्वेश्चन, और आपका SQC से भी आ सकता है। क्वालिटी रिव्यू के साथ SQC1 पढ़ लेना, कि वो उससे रिलेटेड होता है, तो वो भी क्वालिटी एश्योरेंस की बात करता है। तो ये करके आपका टारगेट है कि 2 घंटे में ये ख़त्म करो, ठीक है। जैसे ये ख़त्म हो फिर आगे बढ़ना, आप आगे आप 500 की सीरीज करना नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने आपको 2.5 आवर्स दिए हैं, ठीक है, 2.5 आवर्स में आपको ट्राई करना है ख़त्म करने का 500 की सीरीज, और इस टाइम पे इतना बहुत है। और मेन ये ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इन पे फोकस करके इनके क्वेश्चन भी करें साथ साथ में, सिर्फ प्रोविजन ही पढ़ना, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उसके साथ में कुछ क्वेश्चन जरूर करना, इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन करना भी, बिकॉज आपको पता लगना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या लास्ट डे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है तो वैसा क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए होंगे पहले करते टाइम, कि मेरे को लास्ट डे पे देखना है, बिकॉज इजिली क्रैक नहीं हुए आपसे फर्स्ट टाइम करते रहे। तो ऐसे 500 की सीरीज आपकी 3-3:30 बजे तक हो जाएगी। उसके बाद आपको ऑडिट ऑफ बैंक कर लेना है, 1 घंटा दो इसको, ट्राई करो फिनिश करने का। अभी जो चैप्टर है ना ऑडिट ऑफ बैंक वगैरह, ये आपको पढ़ना है और ट्राई टू रिटेन 4-5 पॉइंट मेनली, बाकी पढ़ते जाओ। इस पर एक एक चीज़ को अच्छे से याद करने मत बैठना, बस टेक्निकल वर्ड याद रखना, टेक्निकल वर्ड के साथ लिख के आ जाओगे, इनमें मार्क मिल जाते हैं, ठीक है।
इनमें इतनी कुछ ज़्यादा रफ चेकिंग नहीं करती है, वो एग्जैक्ट डिटो सेम वर्ड चाहिए आपको, टेक्निकल वर्ड के साथ नॉर्मल भी लिख के आओगे तो मार्क्स मिल जाते हैं इन चीज़ों में, तो टेक्निकल वर्ड के साथ करके चलो ऑडिट बैंक, फिर आप इंटरनल ऑडिट ऑपरेशनल मैनेजमेंट ही करो नेक्स्ट 1.1 आवर्स में। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो, ये अगर जल्दी हो जाए तो ऊपर वाला कम टाइम में कर लो, ठीक है। तो 6:30 बजे तक आपके ये तीनों हो जाने चाहिए, देन NBFC और अश्योरेंस नेक्स्ट 2 आवर्स में खत्म करो, एंड देन उसके बाद आप डिनर कर सकते हो 8:30 से 9 के बीच में, एंड देन लास्ट के 2 आवर्स जो बचेंगे आपके उसमें आपको कर लेना है आपका 600, 300, 400 सीरीज, ठीक है। 600 सीरीज में 3 ऐसे हैं और यहाँ पे आपके 2 ऐसे हैं, यहाँ पे 3 ऐसे हैं, यहाँ पे 2 ऐसे हैं, 3, 4, 3, ठीक है, ये हो जाएंगे इजीली, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, क्वेश्चन भी रेफर कर लेना। और ये आपका मोस्टली, अब देखो सारे मोस्टली ऐसे पार्ट हो गया और यहाँ पे मोस्टली आपका पेपर हो चुका है, अब थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी जो हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो जैसे ही आपका ये होगा, अब आपका 6th में है, ठीक है, पेपर आपका 7th को है, अभी आपका 1.5 दिन में ऑलमोस्ट मोस्टली एटीआर हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप 700 की सीरीज कर लो सुबह उठ के 1.5-1 घंटा देखें, उसके बाद टैक्स ऑडिट के जो क्लॉज वगैरह आपको पढ़ने पड़ लो, और ऐसे 200 सीरीज कर लो, और उसके बाद जो बचा है आपका ड्यू डिलीजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक, ये सब करके आपका टारगेट है कि अगले दिन के 12 बजे तक आपका हो जाए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप 2 RTP सॉल्व कर लो, कर पाओ तो, फिर भी 2 बजे तक का है, अब 2 बजे आपका 6 मई को आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलेबस खत्म हो रहा है, 2 बजे तक अभी भी आपके पास 1 दिन पूरा बचा है। अब 1 दिन में फिर आप एक कैटेगरी से रिवाइज करना शुरू करो, और आपका 1 दिन में जो आपने 1.5 दिन में करा है वो 1 दिन में हो जाएगा नेक्स्ट टाइम करते हुए, तो आपका एटलीस्ट 2 बार रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले 2.5 डेज में। और ऑडिट ऐसी चीज है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही आपको याद रहेगा एग्जाम में, लिख पे आओगे, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपका 2 बार रिवाइज हो सकता है, ठीक है। तो फोकस करो, अच्छे से करो, प्रोविजन पढ़ो, बट साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करो, मेनली प्रोविजन आपको याद रहने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बनाई है 2.5 डेज, होप इट वुड बी हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू गाइज फॉलो सिंसियरली एंड श्योरली यू विल स्कोर गुड मार्क्स और एग्जामिनेशन एंड यू विल क्लियर इट, ठीक है। जैसा भी पेपर आए आपको प्रोविजन लेना, आप अच्छे से लिख के आओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है, और हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 2.5 डेज स्ट्रेटेजी फॉर ऑडिट, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लॉ के रिगार्डिंग, एंड लॉ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑडिट एग्जाम एंड कीप स्टडिंग गाइस। मैंने बाइफर्केशन दिया हुआ है MCQs का, अगर आपको MCQ भी सॉल्व करने हैं तो बाइफर्केशन अवेलेबल है ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिख के।